नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम नगर निगम की कार्यशैली पर रोजाना सवाल तो जरूर उठते हैं, लेकिन जनता को कोई जवाब नहीं मिल पाते। ऐसे ही नगर निगम गुरुग्राम पर एक और प्रश्न चिन्ह के साथ एक रिपोर्ट लेकर आज हम आपके सामने हैं। आप इसे शेयर जरूर करें ताकि अपने गुरुग्राम को हादसों का शहर बनने से बचाया जा सके। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिलेनियम सिटी की सड़कों पर आवारा घूमते जानवरों की, जो कि कभी भी हादसों का कारण बन जाते हैं। इस बड़ी गंभीर समस्या से जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। सूत्रों की माने तो आवारा पशुओं को उठाने के लिए नगर निगम द्वारा भाजपा के ही एक पदाधिकारी को टेंडर दिया हुआ है और लाखों रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है। लेकिन साइबर सिटी की सड़कों पर आवारा घूमते ये जानवर नगर निगम और ठेकेदार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। अभी जो आप दृश्य स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रदेश की आर्थिक नगरी कहे जाने वाले मिलेनियम सिटी के पहले सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा के कार्यालय के नजदीक के हैं। लेकिन ये यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इन जानवरों की वजह से पहले भी यहां बहुत से हादसे हो चुके हैं, परंतु कथित समाज सेवी नेतागण, गणमान्य लोग, निगम अधिकारी सभी सरकार की ही जी हजूरी करने में व्यस्त प्रतीत हो रहे हैं और इस मुद्दे पर कोई भी आवाज उठाना ही नहीं चाहता। जिसके साथ इस वजह से हादसा हो जाता है वो तो आवाज उठाने लायक रहता ही नहीं है। अब जो दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रेलवे रोड के हैं। ये शहर का व्यस्ततम मार्ग है और यहाँ भी आवारा पशुओं का कहर जारी है। अपने गंतव्य की ओर जाने वाले लोग इसकी चपेट में आकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकार को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर धनवापुर रोड की बात करें तो यहाँ भी वही हालत है, वही परेशानी है, परंतु इसका दर्द सिर्फ आम जनता ही बता सकती है, क्योंकि सरकार के लोगों को तो सरकार की उपलब्धि के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आम जनता की आवाज वायरल सच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे और आपका एक शेयर इन प्रयासों को और भी अधिक बल देगा। वही सरकार से भी अपील है कि आपके द्वारा आम जनता के लिए खर्च किया जा रहा पैसा किसी अधिकारी या नेता की तिजोरियां भरने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से भी यही आग्रह है कि ईमानदारी की परिभाषा को परिभाषित करते हुए आप तुरंत प्रभाव से अधिकारियों पर अपना हंटर चलाएं और इस काम को सुचारू तरीके से ना करने वाली कंपनी का टेंडर भी रद्द करें, वो चाहे आपकी है पार्टी के किसी पदाधिकारी की ही क्यों ना हो। आपसे निवेदन है कि जनता बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा हिम्मत हार चुकी है, बट ऐसे में अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कोई भी इसके ऊपर निर्णय नहीं लेगा, कुछ भी इसके बारे में नहीं सोचेगा, तो शायद जनता भी कुछ और सोचेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोजाना आपसे हम मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ जो कि जन समस्याओं से आधारित है। और अगर आपके सामने भी कोई ऐसी जन समस्या आ रही है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे कनेक्ट जरूर कीजिए।